सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं इस पाम के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ये पाम को मैं इस चैनल पे इसलिए कंसिडर किया हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशन हैं अवेलेबल मनी से रिलेटेड, तो इसी कारण से इस हाथ को इस चैनल पे लाया गया है। और इसमें मैं बारी बारी कर आपको सारे इंडिकेशन बताऊंगा कि क्या क्या वो इंडिकेशन है जो बताते हैं कि इस हाथ में जो है धन अच्छा रहने वाला है, रुकेगा भी अच्छा, अच्छा आएगा भी अनेकों माध्यम से आएगा और धन की कभी कोई किल्लत या कमी ऐसे लोगों को नहीं देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। तो गुरु पर्वत पर आप देख पाएंगे कि आड़ी रेखा आपको यहाँ पर अच्छी खासे रूप में देखने को मिलेगी। आड़ी रेखा जब भी होती है अन्य पर्वतों पे तो वो कतई सही नहीं मानी जाती, सिवाय गुरु पर्वत को छोड़ करके। गुरु पर्वत पर आड़ी रेखा व्यक्ति को एक से ज्यादा सोर्स से अर्निंग का एक इंडिकेशन देती है। साथ ही साथ ऐसे लोग धार्मिक भी बहुत होते हैं, ऐसे लोगों को धर्म पाठ इन सब में बहुत रुचि भी होता है और उम्र के साथ साथ वो रुचि मतलब कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन में भी ऐसे लोग को ढकेल देती है। यहाँ पर सैटर्न माउंट के विषय में चर्चा किया जाए शनि पर्वत पे, तो शनि पर्वत थोड़ा सा जो है वीक है, परंतु आप देख पाएंगे कि रेखाएं जो है बहुत प्रोमिनेंट है। इस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं और ऊपर की ओर जाते हुए ये अन्य प्रकार की रेखा बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की जो ब्रांचेस बनाते हुए जा रही हैं, ये जितनी यहाँ पर जा रही है हल्की हल्की जो है ये सारे एक से ज्यादा सोर्स से अर्निंग की निशानी है और कुछ टाइम पीरियड तक उनको उस माध्यम से इनकम आते रहेगा। ये रेखाएं छोटी छोटी हैं और बहुत सारी हैं, इसका मतलब उनको एक टाइम पर किसी एक सोर्स से बहुत अच्छा धन आ जाएगा, फिर वहां से रुक जाएगा, फिर दूसरे माध्यम से अच्छा धन आएगा, फिर वहां से रुक जाएगा। ऐसे करके ढेरों माध्यम से ऐसे लोग बहुत अच्छा अपना किस्मत आजमा सकते हैं और जो है बहुत अच्छा धनागमन ऐसे लोग कर सकते हैं। तब भी थोड़ा इनको इनके लाइफ में सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो कम देखने को मिलेगा क्योंकि सैटर्न माउंट इनका वीक है। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के ऊपर बनने वाला गर्डल ऑफ वीनस जो हल्का सा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ओपन है, ज्यादा थोड़ा सा गैप यहाँ पर रह गया है बीच में, तब भी ये गर्डल ऑफ वीनस बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के पास जो है मनी से रिलेटेड इश्यूज इनके लाइफ में कभी देखने नहीं होते, जब भी जितने की रिक्वायरमेंट होगी इनके पास अवेलेबल होता है और थोड़ा बहुत मतलब जो कहते हैं कि तत् प्रयास करने के बाद जो इनकम आता है ऐसे लोगों को आसानी से मिल जाता है। मेन थिंग यही है कि ये ओपन होने के कारण थोड़ा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम इनके लाइफ में रहेगा, तो कहीं ना कहीं खर्चे आवश्यकताओं से ज़्यादा भी हो सकते हैं और थोड़ा सा निराशा भी मिल सकती है खर्चों से रिलेटेड मामलों में, और मूड स्विंग्स के कारण थोड़ा रिलेशन में भी अप्स एंड डाउन्स ऐसे लोगों के लाइफ में देखने को मिलता है। सूर्य पर्वत पर हम चर्चा करें तो सूर्य पर्वत पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल आपको सटीक तौर पर जो है रेक्टेंगल का साइन जो है देखने को मिलेगा। तो ये रेक्टेंगल का साइन क्या बताता है? रेक्टेंगल का साइन बताता है कि ऐसा व्यक्ति समाज में खूब इज्जत मान सम्मान बहुत बेहतरीन मात्रा में कमाते हैं और इनकी जो कीर्ति है दूर दूर तक फैलती है। फॉरेन से भी कनेक्शन होने के चांसेस ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं, खासकर मनी रिलेटेड इश्यूज में फॉरेन से कनेक्शन होने के चांसेस मिलते हैं, यानी कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा नाता हो जाता है जैसे व्यवसाय के माध्यम से, ट्रेंडिंग के माध्यम से, या फिर कुछ ना कुछ शेयर मार्केट या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होता है जिसके कारण इनकम आता है और विदेश से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है और वहाँ से भी खूब इज्जत सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य रेखा की यहाँ पर चर्चा करें तो सूर्य रेखा आप देख पाएंगे इनके हाथ में किस प्रकार से भाग्य रेखा का प्रारंभ हुआ है शुक्र के क्षेत्र के नीचे से और सीधे जो है सूर्य तक पहुंच गई है। तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत अच्छा इज्जत सम्मान के साथ साथ एक बहुत अच्छी एक हस्ती बनते हैं ऐसे लोग। बस यही इन लोगों में देखा जाता है कि बस जो इनके अंदर कला है वो उनको निखारना है, लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुति देनी है, बाकी ऑटोमेटिकली लक जो है वो अपना काम कर जाएगा, थोड़ा बहुत जो प्रयास है वो इनको खुद को करने रहेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे मरकरी के क्षेत्र पे तो कितना अच्छा यहाँ पर चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा कि एक से अत्यधिक रेखा है वो भी बहुत डार्क है, तो ये सीधे सीधे तौर पर डीप नॉलेज के साथ साथ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है, यानी व्यक्ति में चाहे बोलने की कला ले लो आप, या फिर एक बात करने का ढंग ले लें, या फिर
उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका स्माइल, एटीट्यूड या कुछ भी ऐसा ले ले जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर जाए, खींच ले, उस प्रकार की निशानी मानी जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, बहुत अच्छे कस्टमर बने हुए रहते हैं ऐसे लोगों के, ग्राहक बिजनेस में अच्छे खासे बने हुए होते हैं। हृदय रेखा में भी आप देख पाएंगे कि अंत में कुछ इस प्रकार के इंडिकेशन जो व्यक्ति को फ्लर्टी और रोमांटिक किस्म तो अलग हो गया, लेकिन व्यक्ति बहुत हसमुख हसमिजाज किस्म का होता है, जहां भी रहता है सकारात्मक माहौल ऐसे लोग जो है बना देते हैं। अब सीधे चर्चा करते हैं हृदय रेखा के विषय में। तो हृदय रेखा का प्रारंभ हो रहा है गुरु के क्षेत्र से, और इस प्रकार से रेखा जो है यहाँ पर इनकी जाते हुए आप देख पाएंगे। तो बेसिकली इसका उद्गम हो रहा है गुरु के क्षेत्र से, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा इमोशनल जरूर होता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले भी होते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, वहीं लॉयल ईमानदार और किसी को धोखा जो है ऐसे लोग दे नहीं पाते हैं। परंतु कुछ रेखाएं जो हैं यहाँ पर जो थोड़ा खराब इंडिकेशन देने वाली होती है, नीचे की ओर जाने वाली रेखा, और हल्का सा एक छोटा द्वीप जो 50 एज में आकर के हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज को क्रिएट करने वाला रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा हेल्थ में। माइंड लाइन के विषय में आते हैं तो आप देख पाएंगे कि माइंड लाइन का झुकाव जो है सीधे यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए चंद्र के क्षेत्र तक जाता है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये चंद्र का क्षेत्र होता है और उसी तरफ इसका मुंह है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ही कल्पनाशील होते हैं, बहुत ज्यादा ही काल्पनिक होते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, इमेजिनेशन इसके लिए ऐसे लोगों में ज्यादा होती है। अच्छी चीज उसमें ये देखने को मिली कि यहाँ से रेखा जो है ऊपर की ओर जा रही है, जिसका झुकाव जो है मरकरी माउंट पर है, तो ऐसे लोगों का माइंड जो है बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला होता है, इसी कारण से बिजनेस में अपार सक्सेस मिलने का ऐसे लोगों को चांसेस बनते हैं। एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि आज तक मैंने लाइफ में जितने भी पाम देखे हैं और जितने भी उसमें मनी इंडिकेशन देखे हैं, अच्छे खासे देखे हैं, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन बिजनेस से जरूर होता हुआ मैंने पाया है। क्योंकि आप एक नौकरी अगर पेशा व्यक्ति हैं तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अमाउंट ही आपको मिलना है, लेकिन बिजनेस में ये है कि आपको वो एक्सपेक्टेशन से भी कभी ज्यादा होता है, कभी कम भी होता है, लेकिन कुछ मतलब जहां तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है तो 90 अबव जो मैंने पाम देखे हैं सब में बिजनेस इंडिकेशंस के द्वारा ही ऐसे लोगों को बहुत अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं कि करोड़पति या अरबपति मैंने बनते हुए देखा है। तो ये थी कुछ अलग बात जो थोड़ा मैं अलग माध्यम से बोल गया। आते हैं वापस सीसी पाम पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अब कि जो लाइफ लाइन है उसका फ्लो आप देखिए कितना बेस्ट है। लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकलते हुए शुक्र पर्वत के नीचे तक गया है। एक तो व्यक्ति का उम्र जो है बहुत अच्छा होता है और शुक्र जो है बहुत अच्छा एरिया मतलब जो है अपना बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति का हेल्थ अच्छा होता है, साथ ही साथ लग्जरी यानी सुख सुविधा की कभी कोई कमी नहीं होती, आसानी से ऐसे लोगों को ये सब मिलने वाला होता है। धन बहुत अच्छा जीवन में आता है, कमी बस एक ही देखने को मिलती है कि जिसका शुक्र पर्वत कितना ज्यादा उभरा हुआ है या ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में खर्चे भी बहुत होते हैं और खर्चों पे ऐसे लोगों का बेसिकली नियंत्रण जो है नहीं हो पाता। बाकी उम्र की चर्चा की जाए अच्छी है। स्ट्रगलिंग जो लाइफ इनका रहेगा वो 30s एज में बहुत ज्यादा रहेगा, उस टाइम पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना होगा, फ्यूचर रिलेटेड टेंशन इनको देखने होंगे। और उसी टाइम पे जो है 20s से 30s के बीच में, 35 के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उसके बाद से लाइफ लाइन में कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है, जिसके कारण फ्लो अच्छा हुआ है और जो एक प्रोग्रेस मिलता हुआ देख मतलब देखने को आपको मिल रहा है वो 35 एज के बाद बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आते हैं आप सीधे यहाँ पर इनके लक लाइन के विषय में। तो एक लक लाइन तो बेसिकली इनका जन्म से ही देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दूसरा आपको लक लाइन देखने को मिलेगा जो मून से निकला हुआ है, और ये बेसिकली थोड़ा कम ही डेवलप हुआ है और ये शो करता है कि विदेश से सक्सेस मिलने के चांसेस और सक्सेस आफ्टर मैरिज इंडिकेशन इसे कहा जाता है। तो बेसिकली विदेश से कनेक्शन मैंने आपको बताया ही है, साथ ही साथ ही ये मैरिज के बाद का जो प्रोग्रेस है उसको भी शो करता है। और एक और लक लाइन देखने को मिलेगा जो इस प्रकार से मरकरी तक आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है बेसिकली बिजनेस लक है, स्वास्थ्य रेखा भी इसे कहा जाता है, परंतु बिजनेस में ऐसे लोगों का किस्मत जो है अच्छा चमकता है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, धनागमन अच्छा होता है। मनी ट्रायंगल की इसमें चर्चा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल को यहाँ पर ओपन पाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन जो है इसमें इस प्रकार से जा रही है। ये हो गई इनकी बिजनेस लाइन और ये हो गई इनकी लक लाइन, और ये बेसिकली जो यहाँ पर इसने मुड़ाव ले लिया है तो ये सूर्य रेखा होती है। हल्का सा यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा गैप बन रहा है, प्रोमिनेंट नहीं है, जिसके कारण थोड़ा कहीं ना कहीं
मनी का लीकेज जो है इसे शो करता हुआ देखा जा रहा है। तो वैसे ही इनके हाथ में खर्चे भी जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान व्यक्ति जब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति लग्जरीज या सुख सुविधा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खर्चे पर ऐसे लोगों का ध्यान फिर नहीं जाता, इनका ध्यान बेसिकली जाता है वो लग्जरीज, वो सुख सुविधा के साधन पर, और वो एक जो दिखावटी जोपन है उसके ऊपर। तो ये सब जो चिन्ह है ये इसी कारण से है। मंगल पर्वत यहाँ पर इनका नॉर्मल है, थोड़ा जो निम्न मंगल है यही परेशानी देने वाला देखने को मिल रहा है। थोड़ा इनको टेंशन जरूर इसके कारण मिलेगा फ्यूचर ओरिएंटेड। और सीधी खड़ी रेखा शुक्र पर होना शुभ होती है, अपॉर्चुनिटीज की भरमार होती है ऐसे लोगों के पास, ज्यादा कमी नहीं होती। केतु माउंट नॉर्मल है और चंद्र पर आड़ी रेखा जो देखने को मिल रही है सब फॉरेन ट्रेवलिंग चांसेस को ही शो कर रहा है कि विदेश में अच्छा सक्सेस मिलेगा। एक और अच्छा चिन्ह ये देखने को मिला कि बाहरी मंगल के क्षेत्र से हल्का सा जो है रेखा निकल के थोड़ा जो है सूर्य की ओर जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के कारण जो है बहुत अच्छा समाज में एक अपना जो है प्रसिद्धि हासिल करते हैं, और इनको कभी भी इज्जत सम्मान के लिए ज्यादा जूझना जो है नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इनके जो एक एटीट्यूड है, जो एक पर्सनैलिटी, उसके कारण ऑटोमेटिकली मिलता है। तो ये पाम जो है बहुत अच्छा देखने को मिला। राहु जो माउंट है ये भी यहाँ पर नॉर्मल है, ना ज्यादा दबा हुआ है ना ज्यादा उभरा हुआ है, इसके परिणाम भी निम्न ही रहने वाले हैं। तब भी देखा जाए तो मनी इंडिकेशन बेस्ट है, बस थोड़ा जो है कहीं ना कहीं कमी रहेगी मनी को रोकने में, लेकिन धन का आवक ही इतना रहेगा कि उस पर ऑटोमेटिकली ध्यान जाना ही नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस हाथ के विषय में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, और जो भी आपका कमेंट है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। तो जहाँ तक आप फिंगर का यहाँ पर साइज देख पाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा पूरे पाम के कंपेरिजन में। तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी जो है बेहद कमी पाई जाती है। व्यक्ति जल्दबाजी और हड़बड़ी में निर्णय लेने वाला होता है ज़्यादातर ऐसे लोग। इन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि फ्यूचर में जाके थोड़ा पछतावे जैसी दिक्कत परेशानी होती है कि मुझे उस टाइम पे ये नहीं करना था। और दूसरी अगर आइडेंटिटीज देखें तो ऐसे लोग गो के अंदर में जो दूसरे लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाले होते हैं। वहीं ऐसे जो लोग हैं ये दूसरों के अंडर में कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और थोड़ा कहीं ना कहीं जल्दबाजी या हड़बड़ी ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। यहाँ पर अब पाम के साइज के विषय में चर्चा की जाए तो पाम का साइज आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर पाम सीधे सीधे बताता है कि व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाला होता है, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं कार्य करने की अपेक्षा, ये आइडेंटिटीज ऐसे लोगों में होती है। वहीं यहाँ पर थंब का अगर देखेंगे तो थंब का साइज नॉर्मल है, और यहाँ पर जो फर्स्ट पर्व है इसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसके अंदर मतलब जिसके कारण व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होता है, अपने जीवन में बहुत ऊंची ऊंची थिंकिंग सोच रखने वाले होते हैं, बहुत ऊंचाई तक ऐसे लोग जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और जितनी ये आड़ी रेखा है ये शो करती है कि इनकम सोर्स व्यक्ति के पास अच्छा रहेगा, धन से रिलेटेड कभी कोई इश्यूज या दिक्कत परेशानी ऐसे लोगों को नहीं होगा। इस पाम में सबसे बेहतरीन जो बात है वो है धन। धन के बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशन है, इसी कारण से मैं इस पाम को जो है इस चैनल पर लेके आया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और बाकी मेरा दूसरा जो चैनल है उस पर रेगुलरली पाम एनालिसिस के अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनके सर्वप्रथम मैं बता दूं इनके फिंगर के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारियां, तो देख पाएंगे कि जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन अच्छी देखने को मिलेगी आपको, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर के ऊपर तक गई है, जिसके कारण व्यक्ति में देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल कंपेरेटिवली अच्छा पाया जाता है। सीधे तौर पर स्पष्ट वक्ता होते हैं, ज़्यादा हिचकिचाने या घबराने वाले नहीं होते, आसानी से लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर की लेंथ की चर्चा करेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ जो है हल्की सी ज़्यादा है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जिसके कारण सन की क्वालिटीज होती है व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, यानी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इज्जत के बहुत प्यारे होते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं लाइफ में, रॉयल्टी होती है, और इससे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही लोगों के सामने निखारते हैं, या फिर एक दिखावा भी हम कह सकते हैं कि दिखाते हैं कि हाँ मुझे में कुछ खास है, अब आप मुझे नोटिस करिए, या फिर फेम पॉपुलरिटी का जो एक पानी की जो चाह है वो कहीं ना कहीं इस राह पर भी ऐसे लोगों को ला करके खड़ी करती है। वहीं यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अत्यंत शुभ होती है, ये शो करता है फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को, यानी व्यक्ति लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाने वाला होता है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है।
जहाँ तक फेलेंजेस की बात की जाए तो जो उभार है वो भी अच्छा, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर स्टेमिना अच्छा होता है, कुछ पाने की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा भी जाता है। अब आते हैं पाम में कि क्या क्या वो आइडेंटिटीज़ हैं जिसके कारण मैंने इस पाम को इसमें कंसिडर किया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मनी के आपको बहुत इंडिकेशन देखने को मिलेंगे इस पाम में। तो वन बाय वन में जितने भी पर्वतों हैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि